नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। नवी मुंबई के डेवलपमेंट में सिडको का बहुत अहम रोल है और ये डिनाई नहीं किया जा सकता है, शुरुआत से लेके अब तक। और अब जब नवी मुंबई एक नेक्स्ट लेवल के डेवलपमेंट पे जा रही है, मेगा प्रोजेक्ट्स जो सिडको कर रहा है और साथ में हाउसिंग भी चाहे PMAI के जैसे हैं, तो बहुत कुछ नवी मुंबई में हो रहा है। और इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए फॉर्चुनेटली सिडको को जो हेड कर रहे हैं इनके वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंगल साहब, IIT बैकग्राउंड से हैं, एक्सपर्टीज है इनके पास और काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर से उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। आसपास में भी काम किया है उन्होंने, MCDCL कहें, थाना कहें, मुंबई कहें। और ये एक्सपर्टीज जब नवी मुंबई में आई है, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या इनका थॉट प्रोसेस है और आगे नवी मुंबई की दिशा वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खास मेहमान। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत से ही, वो अगर करें कि लोग भी और समझे कि जो मैंने कहा कि IIT का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उससे फिर आप ये पब्लिक सर्विस में एक्चुअली आ गए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन सर और इसके फायदे क्या देख रहे हैं? देखो, IIT में थे तो जब हमने UPSC की परीक्षा पास की थी तो ये बड़ा एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था। तब भी हमको लगता था UPSC में इंटरव्यू लेने वाले ये पूछेंगे कि आपके पास IIT की टेक्निकल नॉलेज, आप IAS में क्यों जा रहे हो। उस समय तो हम लोग बड़ा रटा ऐसा उत्तर लेके जाते थे, पर आज एक 27-28 साल की सर्विस के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो एक नॉलेज है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती। जैसा कि मैं एक IIT से सिविल इंजीनियर हूँ, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को सिडको को देखा जाए, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे यहाँ देखिए एयरपोर्ट बन रहा है, पूरा इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी यहाँ पे जो PMAY के हम 67,000 घर बना रहे हैं वो भी सारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। नैना एक नया शहर बन रहा है वो भी एक इंजीनियरिंग का है। अभी एक खारगर कोस्टल रोड है, उल्वे कोस्टल रोड है, या बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ देखा जाए तो पूरा की पूरा इंजीनियरिंग का है। आज मुझे अच्छा लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है, जो भी मैंने एक्वायर की है, अगर उसका मैं यूज कर सकूँ, कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और निश्चित ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा होता है, एक मुझे प्रसन्नता होती है और मुझे लगता है कि इसका डेफिनेटली एडवांटेज हम इस शहर को दे पाते हैं। तो एक नॉलेज है हमेशा कभी बेकार नहीं जाती, और मुझे लगता है कि जहां जहां मैंने पोस्टिंग की है वहां वहां इस इंजीनियरिंग नॉलेज को मैंने हमेशा यूज किया। और अगर पर्सनल पूछूं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्यों सोचा IIT के बाद IAS? देखो, एक बड़ी ये चॉइस के ऊपर है कि कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट नौकरी अच्छी है। मुझे जो लगा वो एक ऐसा लगा कि एक IAS एक ऐसी नौकरी है, आज भी मैं मानता हूं हिंदुस्तान की सबसे अच्छी नौकरी है, और ये एक ऐसी नौकरी है कि जहाँ के मुझे अपॉर्चुनिटी लोगों को काम करने के लिए बहुत है और यहाँ पे वैरायटी बहुत है। जैसे मैं बताऊं, अब मैं दो जगह कलेक्टर रहा, जलगांव और हिंगोली में जिलाधिकारी करके रेवेन्यू से रिलेटेड समस्या थी, लोगों की समस्या जिले में थी, वो समस्याएं दूर कर पाया। अच्छा, मैं और ये भी बताना चाहूंगा, जब मैं कलेक्टर जलगांव था तो मैंने नदी जोड़ प्रकल्प किया था, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जबकि 2006 में किया था, वो भी एक सिविल इंजीनियरिंग का जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो उसको यूज कर चुका, एंड दैट वाज लाइक अवार्डेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो तो कहीं ना कहीं नॉलेज के जैसे बात कर रहे थे कि वो हमको डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहती है। दूसरा, अभी जैसे मैं MSCDCL में था, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन इंजीनियर होने के नाते मैं उनकी भाषा समझता हूँ उनके साथ, और मैं बोल सकता हूँ कि बल्कि मैंने 3 साल में इतना किया कि मैं आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बन गया। उससे पहले मैं BMC एडिशनल कमिश्नर था, वो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, थाने में कमिश्नर था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जहाँ जहाँ मैं काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे लगता है कि मैंने चुना इसीलिए कि मैं पब्लिक के काम कर सकूं, एक अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्राइवेट में होता तो आई मे बी गेटिंग अ लाइक मोर लग्जरियस लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग, बट हियर सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो सेटिस्फेक्शन काम करने से मिलता है दैट यू कांट बाय इन द मार्केट इवन इन द मिलियन डॉलर्स आल्सो, सो दैट इज व्हाट वी आर फॉर। वेरी गुड। तो आपके बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर साथ में आप आसपास में भी रहे हैं, जैसे आपने कहा BMC में रहे हैं, थाने में रहे हैं, नवी मुंबई में आके आपको क्या चेंज लगा या क्या स्कोप और अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? अब जैसे मुझे सिडको में 6-7 महीने हो गए, सिडको नवी मुंबई, सिडको की स्थापना जो 1970 में हुई थी, बेसिक पर्पस था कि नए शहर बसाने के लिए, मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए। इसके लिए जैसे जो वाशी जो शहर बसा है, बेलापुर बसा है, वो सिडको नहीं बसा है, वो दैट इज अ प्लान डेवलपमेंट। अभी हम नया शहर ला रहे हैं, और भी हम लोगों ने औरंगाबाद में भी एक्वायर किया है, इवन पालघर और सिंधुदुर्ग नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और ये सब पूरा बना था, तब भी सिडको का बहुत योगदान रहा, बहुत जगह जगह योगदान रहा है। सो नवी मुंबई के आज की तारीख में बहुत स्कोप है, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी पूरी तरह सैचुरेट हो चुका है, न्यू मुंबई अभी शहर ये है, अभी फिर इसके बाद तीसरी मुंबई आ रही है,
नैना आ रहा है, तो ऐसे उसे मुंबई को डेवलप करना है। अब जब यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट का काम हो रहा है, अभी नवी मुंबई और मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, अभी MTHL और अटल सेतु जैसे बन गया, तो नवी मुंबई मुंबई का फासला बहुत कम हो चुका है। अभी आप कोलाबा से निकलोगे MTHL तक, आप नई मुंबई में आप 30-32 मिनट में आ जाते हो, इससे ज्यादा तो हमें एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाता है। तो जैसे जैसे अभी कनेक्टिविटी और जो जो सुविधाएं जैसे उपलब्ध हो रही है, उससे हमें नवी मुंबई को बहुत फायदा है। दूसरा, नवी मुंबई में जैसे यहाँ खुला एरिया है, अब जैसे यहाँ देखोगे मेरे यहाँ आपको गोल्फ कोर्स है, अभी मेरा 150 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, और पूरे MMR रीजन का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है, कहीं ऐसा पब्लिक गोल्फ कोर्स नहीं है, मतलब लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, एक कॉमन मैन भी जाके थोड़ा सा पैसा देके वो खेल पाएगा, मतलब गोल्फ कोर्स एलीट क्लब का नहीं है। अभी जैसे मैं मेरा सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क 150 एकड़ का पार्क है, वो इतना बड़ा पार्क कहीं बड़े शहर में होना उपलब्ध है। तो यहाँ पे एक रोड चौड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी का आपका एयरपोर्ट आ गया, बाकी का आपका पार्क वगैरह आ गए हैं, और एंटरटेनमेंट की बहुत सुविधा रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, तो ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं, और जो आपको एटमॉस्फियर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बाकी शहरों में है या हमारे मुंबई शहर में है, आने वाले समय में उससे भी अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट का आपने बात किया, ये भी बताया जा रहा है कि 5 तारीख को ट्रायल लैंडिंग भी होगी। एयरपोर्ट तो सालों साल से सुनते आ रहे थे, बट फाइनली ये हो रहा है, एंड मार्च अगले साल की बात हो रही 2025। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखो, बहुत अच्छी बात है, और नवी मुंबई और मुंबई के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि एयरपोर्ट का फेज वन, ये बिल्कुल हम बहुत वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज हैं, टोटल कैपेसिटी जो एयरपोर्ट की है 90 मिलियन पैसेंजर पर एनम है, उसमें से जो फेज वन है और टू है जिसको हम टर्मिनल वन बोलते हैं, उसकी 20 मिलियन पैसेंजर पर एनम की कैपेसिटी है। उसके लिए हमारा जो रनवे का काम है, 3700 मीटर का रनवे का काम पूरी तरह टॉप लेयर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे कभी भी डिफेंस का सुखोई या C-130 प्लेन लैंड किया सकता है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है 5 तारीख या 6 तारीख जैसे भी अवेलेबिलिटी होती है, तो डेफिनेटली इसी वीक में और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में यहाँ पे लैंडिंग होने की पूरी संभावना है, जिससे लोगों को भी लगेगा यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 4 टर्मिनल है, 4 टर्मिनल में टप्पे टप्पे में यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगे, जैसा कि मैंने बोला टोटल कैपेसिटी 90 पैसेंजर है, और सबसे खास बात यहाँ पर क्या है कि चारों टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब आप किसी भी टर्मिनल पर गए तो फ्लाइट दूसरे भी टर्मिनल से है, तो वहां से आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, थ्रू APM जो कि जो ट्रेन होंगी जो कि एयरपोर्ट के रनवे के नीचे से अंडरग्राउंड से आपको वहां पर लेके जाएगी। आज जैसे बॉम्बे में T1 से फ्लाइट है तो आपको T1 पे ही आना पड़ेगा, T2 पे गलती से पहुंच गए तो उस पर भाई रोड और बस आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और यहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा है, कैपेसिटी काफी अच्छी है, टोटल 1200 हेक्टेयर में हम लोग बना रहे हैं, पूरा बनने के बाद करीब 350 एयरक्राफ्ट यहाँ पे हो सके मतलब खड़े हो सकेंगे, उसके साथ साथ कार्गो का भी बहुत अच्छा ये है, 2.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है जो कि फर्स्ट टेस्ट में 0.8 मिलियन टन होंगे। अभी इसकी कनेक्टिविटी की बात अगर करें तो आपको MTHL होने के साथ आप साउथ मुंबई से आप 35 से 40 मिनट में जो आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे। दूसरा, हम लोग पुराने एयरपोर्ट से नए एयरपोर्ट तक के लिए मेट्रो का काम भी अभी ये आने वाला है, उसके लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर आने वाले हैं, ऑलरेडी दैट गवर्नमेंट का प्रोसेस में है, तो ये जो एयरलाइन होगी कनेक्टिंग दैट प्रेजेंट एयरपोर्ट एट द न्यू एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट की लाइन बाकी सारी मेट्रो लाइन से कनेक्टेड होगी, जैसे अभी Line 3 है जो कि अभी कुलाबा से सीपस तक जाती है, ठीक है, दूसरा भी Line 2 है जो कि अंधेरी से उसको DN नगर से आपको अंधेरी तक आती है, या फिर Line 7 है या फिर Line 4 है, इवन अभी Line 12 का काम जो चल रहा है जो तड़ौजा से बेलापुर तक है, तो बेलापुर से हमारी Line 1 आती है। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे MMR रीजन से हर जगह से आपको इजीली कनेक्टिविटी मिलेगी, यहाँ से पूना शहर तो आपको मुश्किल से एयरपोर्ट से 1.25 घंटे का रास्ता है, सो कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे कि इसका जो कैचमेंट एरिया है काफी अच्छा रहेगा। तीसरा, ये एक एयरपोर्ट जैसे सिंगापुर इसकी जगह है, सिंगापुर की जगह यहाँ पे अपन वाटर ट्रांसपोर्ट भी है बिकॉज क्रीक पास में है, तो वो भी यहाँ से शुरू करेंगे। लोकेशन इस एयरपोर्ट की देखें तो एक तरफ हमारा JNPT है, तो JNPT इतना बड़ा पोर्ट है, तो यहाँ पे भी जो JNPT से जो भी कार्गोज और जो भी है उनके लिए जो भी आपको
ट्रांसपोर्टेशन है या वहाँ से ट्रैफिक है वो भी आपको मिलेगा। सो लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा लोकेशन है और कनेक्टिविटी वाइज आने वाले समय में इसकी कनेक्टिविटी वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी रहेगी। और टारगेट आपको लग रहा है मार्च का चीज हो जाए? 100% ये मार्च में पूरा होगा और कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है वो लोगों के लिए मार्च से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने में 5-6 महीने और लग सकते हैं और टाइम, और ये बिल्कुल हम मंथली नहीं बाई मंथली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज पूरी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक रनवे मेरा पूरा तैयार है, आज भी चाहे तो आज भी डिफेंस का प्लेन वहां पर लैंड हो सकता है। दैट इज गुड न्यूज। सर कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो हमारे यहाँ पे तलेजा टू बेलापुर तो हो गया है, मुंबई से भी जो आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक अक्सर आ जाता है कि मानकोट के बाद और वाशी तक का जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की उसके ऊपर भी काफी टाइम से मामला रुक जाता है। हाँ, सो आपने अच्छा प्रश्न पूछा यहाँ पे। सो इसीलिए हमारा जो पुराना एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इसका पूरा डीपीआर का काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले मानकुट से नए एयरपोर्ट तक का काम सिडको को था और मानकुट से ऊपर तक का काम MMRDO को दिया था, लेकिन अभी सरकार इसमें डिसीजन लेगी कि दोनों किसी एक एजेंसी को दिया जाएगा। 2/3 पोर्शन वैसे हमारे पास आता है इस पूरी लाइन का, हो सकता है सिडको को आ जाए या फिर जिसको भी जाए, अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी लाइन होनी है। तो मुझे लग रहा है कि 2-4-8-10 दिन में मैंडेट आना चाहिए, उसके हिसाब से ये काम भी हम टेंडर निकाल के जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। तो जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का सपना था वो फाइनली हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों से बोर्ड लगा हुआ था वहां पे। बिल्कुल हो रहा है और मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा कहने में भी नहीं है। आप जैसे बताया कि एयरपोर्ट पूरा तैयार है और टर्मिनल बिल्डिंग का भी 75% काम हो चुका है। मैं 2-3 दिन पहले ही एयरपोर्ट जाके आया, जैसे बताया मॉनिटर कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरपोर्ट यहाँ पे जो आ रहा है, जिससे को लोगों को भी लगेगा कि इस चीज का। जैसे एक चीज और बताएं कनेक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं, जैसे हमारा MTHL चिरले तक आ चुका और चिरले तक, अब वहां से उलवार चिरले तक, वहां से फिर हमारा उलवे कोस्टल रोड जा रहा है। तो उलवे कोस्टल रोड का करीब 2000 करोड़ का काम वो भी चालू है, तो वो करीब अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह जो कनेक्टिविटीज के जो इशू है एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को वहां पहुंचने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो और इमीडिएटली पहुंच सके। और ये बहुत खास बात है जो कनेक्टिविटी की आप बात करें, कि सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रेल की हो रही है, रोड की हो रही है, वाटर ट्रांसपोर्ट की भी बात हो रही है, मेट्रो की हो रही है, तो ये काफी पूरा एरिया कवर हो रहा है। और ये कोस्टल रोड्स काफी जो आप सिडको ने लिया है, चाहे खारघर का हो, उलवे का हो, ये भी बहुत प्रोग्रेस में चल रहा है। हाँ बिल्कुल, उलवे कोस्टल रोड का काम मैं कहूंगा जितना टाइम दिया समय से पहले चल रहा है, उसमें हमारी एक अच्छी प्रोग्रेस है कि जो टाइम पीरियड है उससे शायद 2-3 महीने पहले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने खारघर कोस्टल रोड का था, ये इशू खारघर कोस्टल रोड का पिछले 3-4 साल से चल रहा था। हम लोगों ने उस समय एट ग्राउंड प्रपोज किया था, जब एनवायरमेंट क्लियरेंस के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया तो उन्होंने बोला स्टिल्ट पे करना है कि जिससे कि वहां पे एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, तो वो एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑलरेडी आ चुका, उसके भी हमने टेंडर्स निकाल दिए, कोशिश करेंगे आचार संहिता से पहले पूरी हो जाए। तो सो दैट वे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें जो हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने हॉर फुटिंग पे ले रखी हैं। और सबसे अहम बात है काम का टेंडर निकालना, काम का वर्क ऑर्डर देना, इससे सिर्फ एक काम है, लेकिन उस काम को समय पर पूरा कराना वो उतना ही कठिन काम है। हमारा ध्येय इतना है कि वो काम समय पर पूरा करा सके। जैसे एयरपोर्ट का काम क्रिटिकल एक्टिविटी वाइज हम मॉनिटर करके इसको मार्च में पूरा करके। कोस्टल रोड का कब तक का प्लान है? खारघर कोस्टल रोड में करीब अभी टेंडर अवार्ड होने के बाद 36 महीने लगेंगे। उलवे कोस्टल रोड को है ये मार्च 26 तक का इनका टाइम पीरियड है, कोशिश करेंगे कि मार्च 26 से पहले यहाँ पे हो जाए। सर ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इसमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, कभी रेसिडेंट्स ने भी थोड़ा अपोज किया है जो खारघर कोस्टल रोड के इंटरनल रोड वगैरह यूज हो रही है, कंसर्न्स होते हैं एनवायरनमेंट के, डिस्टरबेंस के, ये कैसे एड्रेस कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि खारघर कोस्टल रोड का हमने शुरू में 2019-20 में टेंडर निकाला था, उस समय हमने एट ग्राउंड निकाला था। तो जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के पास गए तो उन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्टिल्ट की परमिशन दिया। उससे हमारी कॉस्ट में करीब 4 गुना बढ़त हुई है, पर ठीक है वो कॉस्ट जाना दर इशू, एनवायरनमेंट कंसर्न बेसिकली हम लोगों को देखना जरूरी है। अभी जो लोगों की कुछ समस्याएं हैं सपोज, तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कवर हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर उनके कंसर्न है तो डेफिनेटली उनके साथ चर्चा करके वो भी हम विचार, वो भी उनके जो विचार है उनमें ध्यान में रखते हैं। आगे एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट है सब पसंद ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, पर सर थोड़े कंसर्न फिर आ जाते हैं, जैसे अभी हाइट रिस्ट्रिक्शंस के कुछ नोटिसेस आ गए थे लोगों को, तो एक फियर फैक्टर हो जाता है कभी कभी, तो वो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखो ये हाइट रिस्ट्रिक्शंस का जो एयर फनल में जो आते हैं
वो तो देखो प्लेन जब लैंड करेगा तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे अभी मुंबई में भी देखें एयरपोर्ट के पास की बिल्डिंग्स की हाइट, या फिर हम साउथ मुंबई में हम वर्ली में देखें, दोनों की हाइट में तो फर्क है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जैसे हमने बोला हम लोग जैसे एनवायरमेंट को कंसिडर करके जब जैसे स्टिल्ट ग्राउंड पे था हमने स्टिल्ट पे किया, वैसे ही हाइट रेस्ट्रिक्शन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कि पब्लिक के भले के लिए जरूरी है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से अगर फनल जोन में आते हैं तो वो डेफिनेटली लोगों को थोड़ा फॉलो करने करेंगे। और मेरी भी इसमें विनंती रहेगी फाइनली जो एयरपोर्ट आ रहा है डेवलपमेंट का काम वो लोगों के लिए है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो प्लेन भी लैंड नहीं कर पाएगा। अब जैसे एयरपोर्ट शहर के पास भी होना चाहिए और दूर भी नहीं होना चाहिए, तो ये सारा मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक मिडवे सॉल्यूशन जो बेस्ट पॉसिबल है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस चीज को कंसीडर करके तभी उसके बाद ये सारा परमिशन देती है। एक और जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है जो कॉर्पोरेट पार्क, उसमें भी काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में अगर आप बताएं। एक कॉर्पोरेट पार्क जो कि करीब एक 150 हेक्टेयर का एरिया है, मतलब 375 एकर का एरिया है, ये इट विल बी द न्यू बीकेसी एंड आई कैन अश्योर यू कि इट विल बी मच बेटर देन द बीकेसी। ठीक है, वहां तक पहुंचने में हमको शायद टाइम लगेगा, वहां पे आपका जैसे कॉर्पोरेट पार्क में कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, एम्यूजमेंट की फैसिलिटी होगी, इंटरनेट फैसिलिटी होगी, कन्वेंशन सेंटर्स होंगे, कुछ वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह भी होंगे। जैसे आज बीकेसी देखें, एक्चुअली हम बीकेसी जाएं तो आज जैसे अपन को एक फॉरेन जैसी एक अच्छी फील आती है बीकेसी में। सो अभी ये तो प्लान डेवलपमेंट है हमारा जो नवी मुंबई का, तो यहाँ तो प्लान डेवलपमेंट जब होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे इसमें रोड कैसा होना चाहिए, कन्वेंशन सेंटर कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर अम्यूजमेंट की फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, सो वो हमने इसमें ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जैसे आपने बनाया, एक नए आने वाले समय में अगले 3-4 साल में जो कॉर्पोरेट पार्क का डेवलपमेंट होगा वो निश्चित ही आपको लगेगा एक बहुत ही अच्छा, एक ट्रूली इंटरनेशनल लेवल का जो यहाँ पे देखेगा, जिसमें आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेस को भी जगह होगी, कन्वेंशन सेंटर को भी होगी, बाकी बिजनेस हाउसेस को सभी को जगह और एंटरटेनमेंट वगैरह की सुविधा भी होगी। इसके लिए खास कंसल्टेंट्स भी आप लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं? जैसे कॉर्पोरेट पार्क में हमने कंसल्टेंट अपॉइंट अभी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी, उनकी रिपोर्ट्स के बाद वो अपना 3D पिक्चर भी देंगे, कुछ अपने सुझाव भी देंगे, लोगों के भी सुझाव इसमें लिए जाएंगे, उसके बाद फिर इसका हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एक फेस्ड डेवलपमेंट होगा, जैसे हमने बोला एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी फेस्ड डेवलपमेंट है, 4 टर्मिनल है, पहले पहला टर्मिनल है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा करेंगे, वैसे ही कॉर्पोरेट पार्क में हुए। बट एक मुंबई जैसे क्या है कि मुंबई एक शहर था, पीपल से कि भाई 7 आइलैंड थे, 7 आइलैंड को मिला के किया था, बहुत सारा एक्सपेंशन वहां पे नहीं कर पाए, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर पाए। नई मुंबई जिसकी नवी मुंबई के लिए जब सिडको की निर्मित हुई, पर्पज ये था कि जिससे कि हम प्लान डेवलपमेंट में करेंगे, जब प्लान डेवलपमेंट करते हैं सो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसका पेडेस्ट्रियंस की सुविधा हो, चाहे साइकिल की साइकिल पर साइकिलिंग लोग कर सके, या फिर पार्क की सुविधा हो, या जो भी फैसिलिटी व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क ही नहीं, बाकी नवी मुंबई में जो भी एरिया डेवलप करते हैं ये चीजें ध्यान में रखें और फ्यूचर एक्सपेंशन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। कंसल्टेंट्स को लेके भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिडको की क्या जरूरत है, एक्सपर्टीज है आपके पास, चाहे सेल का मामला हो चाहे प्लानिंग का हो, फिर ये कंसल्टेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो कंसल्टेंट्स का एक ऐसा है कि लुकिंग एट द मैग्नेमिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सो थोड़ा हमारा इसमें मानना है कि कंसल्टेंट को थोड़ा देन ही कैन लुक एट व्हाट हैज बीन डन अब्रॉड, लेट अस से चाहे सिंगापुर हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, तो उनको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ की रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, वो करते हैं। हमारे यहाँ भी है लेकिन हमारे लोगों को भी अच्छी नॉलेज है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन ये कंसल्टेंट कितने भी आए लेकिन हमारे लोगों के नॉलेज का तो इनपुट लगता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप कि जब कंसल्टेंट का भी एक्सपर्ट हम लोगों को एक्सपर्ट नॉलेज हमको मिल जाता है, बाहर का नॉलेज भी हम लोगों को मिल जाता है और अपना नॉलेज, क्यों जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन बड़े प्रोजेक्ट की क्षमता कैपेसिटी एक्सपेंशन और मैग्नेनिमिटी जो होती है उसको देखते हुए मुझे लगता है जिन चीज़ों में थोड़ा सा कंसल्टेंट की जरूरत है वह हमको ले लेना चाहिए कि उससे फायदा है कि थोड़ा सा एक जो हमारा जो विजन है थोड़ा होराइजन है थोड़ा वाइड हो जाता है और उसकी वजह से अगर बाई चांस कुछ गलतियां हमसे हो रही होंगी थोड़ा वो कम से कम हो सके। बिल्कुल सर, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे हैं जो कि शहर के लिए बहुत अच्छा है, जो बेसिक था हाउसिंग का जो इशू जी, जो सिडको ने जिससे शुरुआत भी की थी और लोग सिडको की तरफ हाउसिंग के लिए ही देखते, तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी प्लान कर रहे हैं सिडको, तो ये हाउसिंग पे कितना कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है?
सिडको का हाउसिंग पे सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन ऑफ सिडको टू प्रोवाइड मास हाउसिंग। जैसे अभी देखें बॉम्बे में, अभी बॉम्बे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग। सो बेसिक रीजन है कि जब मेरा नवी मुंबई की ऑलरेडी जब कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो रही है, तो एक कॉमन मैन है या LIG वाला ग्रुप है या EWS सेक्शन है, वो नवी मुंबई में कम से कम घर ले सके। सो हमको जो मैंडेट दिया है, दैट इज द बड़े स्केल पे मैंडेट दिया है कि जैसे कि हम मास हाउसिंग प्रोवाइड कर सके। अभी जैसे मेरे को 67,000 घरों का काम चालू है, जिसमें से 25,000 घर है करीब करीब दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे, एक 5,000-6,000 घर है ऑलरेडी तैयार है। तो 25,000 घरों का काम हम कोशिश कर रहे हैं, अभी माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, उनके घर से हम उनके यहाँ से लोकार्पण कर सकें। और इनकी हम देखें कि अभी क्वालिटी भी अगर आप सिडको की घरों की देखें तो मुझे लगता है कि जो सरकारी क्वालिटी होती है उससे कई गुनी बेटर है, और इवन इट इज एज कंपेरेबल इज द प्राइवेट हाउसिंग। ब्रदर हमारे जितनी भी हाउसिंग की जो सोसाइटीज हैं, जो अभी मास हाउसिंग के लिए इंदिरा आवास योजना PMAY में जो बना रहे हैं, उसमें अगर देखिए हमारी कंपनियां, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं अच्छी, LNT है, कैपेसाइट है, तुम्हारा ये शाहपुर जी पालन जी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके घरेज अच्छे हैं, और इनकी रेट्स भी देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट से कुछ रेट सस्ते ही हैं, इन स्पाइट ऑफ सच ए गुड फैसिलिटी। यहाँ के हमारे ओपन स्पेसेस हैं, रोड अच्छे हैं, हमने कॉमन हॉल भी बनाया हुआ है, एंटरटेनमेंट की भी सुविधा दी है, और हमेशा ही लोगों ने इस एरिया में सिडको के घरों को पसंद भी दी है। सो एक साइड में हम एयरपोर्ट ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कॉरपोरेट पार्क जैसी चीजें आ रही है, बल्कि हमारा लॉजिस्टिक पार्क भी अभी आने वाला है। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारा हाउसिंग का भी जो बड़े स्केल पे जो आ रहा है, तो यहाँ पे एक हाउसिंग फॉर ऑल का जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार का सपना है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी डेफिनेटली पूरा हो रहा है। आपने कहा कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि क्वालिटी और कॉस्टिंग के ही कंसर्न्स रहते हैं, और सिडको की तरफ लोग, आम आदमी यही देखता है कि भाई मुझे प्राइवेट के मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, सिडको के फ्लैट्स ले सकता हूँ, तो ये कॉस्टिंग और क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताएं। देखो, मैंने क्वालिटी में कई जगह खुद जाके भी आया हूँ, मैं जब ज्वाइन हुआ था, और मैं कंटिन्यूस मैं जनरली फील्ड में रहने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज साइट पे जो दिखता है वो मुझे समझ में आता है। सो मैंने भी जैसे LNT क्या काम कर रही है, कैपेसाइट क्या काम है, शाहपुर जी पालन जी क्या है, या फिर VG सिरके का काम है, मैंने खुद क्वालिटी देखी है। मुझे लगता है कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है काफी अच्छा स्टैंडर्ड है। ठीक है, दो चार जगह जो छोटे मोटे इशूज थे उन लोगों को हमने कंपनीज को सूचना भी दी, उन कंपनीज में एक दो जगह जो थे वो काफी इंप्रूव भी किया है, और हम और हमेशा इंश्योर करते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जनरली जब मैं सिडको में नहीं था, तब भी सिडको का जो मैं एक देखता था कि सिडको का नाम एक अच्छा नाम है, जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, प्लानिंग अच्छी है, क्वालिटी मेंटेन करती है, और लोगों का सिडको पे विश्वास भी है। रही आप जैसे कॉस्ट की, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ कि जो मार्केट में जो हाउसेज की कॉस्ट है, जो प्राइवेट डेवलपर की है, उससे हमारा थोड़ा डेफिनेटली सस्ता ही होगा। वो सस्ता 5-15% की रेंज में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ द फ्लैट, बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी मोर देन द मार्केट प्राइस, जिससे कि लोगों का सिडको पे विश्वास रहे और एक कम पैसों में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सपना है वो पूरा हो सके। ये सिडको ये तो कर ही रही है, PMAY है और ये सब की चीज़ें, बट लेकिन साथ में ये भी लगता है कि लोगों का कहना है कि कभी कभी शिफ्ट हो जाता है फोकस सिडको का, VIP हाउसिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट करते हैं, प्राइम एरिया उनको दे रहे हैं, हमको बाकी के दे रहे हैं, और बहुत सस्ते में उनको दे रहे हैं, जैसे पाम बीच रोड एरिया जैसे पे, ये आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखो, ऐसा नहीं है जो आप जिस VIP हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा उसमें देखो गवर्नमेंट का मैंडेट था उनमें कि सभी लोगों की डिमांड थी, जैसे अपन हाउसिंग फॉर ऑल करते हैं, कॉमन मैन के लिए भी है, बाकी के लिए भी है, वैसे ही सब लोगों की डिमांड थी कि जिसमें कि एक सबके लिए सोसाइटी बनाया जाए। देखा जाए तो बाकी के स्टेट्स में भी सभी जगह होता है, और इसमें कोई इंडिविजुअल को पर्टिकुलर आदमी को कोई प्रेफरेंस नहीं, जो कैटेगरी वाइज है उनमें सभी को प्रेफरेंस देके वो सोसाइटी बनाई जा रही है। उसमें ये कह सकता हूँ कि कोई मतलब ऐसा नहीं है, जितनी हमको लागत आती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, एमएनिटी कॉस्ट की, वो उन सबसे पूरी ली जा रही है, और जो भी रेस्पेक्टेड एरिया होगा उसके हिसाब से। ये सिडको की कुछ पॉलिसीज रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑब्वियसली अलग अलग डिसीजंस होते हैं, टाउनशिप को लेकर भी इशू हो गए हैं कि भाई आप प्राइवेट डेवलपर को किसी को दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, टेंडर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे एड्रेस करें, क्योंकि उस पर भी काफी अपोजिशन हुआ है। अभी तक कोई भी जगह किसी प्राइवेट डेवलपर को नहीं दी है। सो अपन अपना जैसे है कि जैसे अभी तो हमारा बल्क लैंड डिस्पोजल पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, जब होगी तब सारी की सारी चीजें विचार में लाके जो भी सिडको और पब्लिक के हित में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। लेकिन आज जैसे हमने बोला कि टाउनशिप की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, इतना मैं बोलूंगा नैना शहर अभी आ रहा है। ठीक है, नैना मुझे भी मालूम है कि मैं भी सिडको आने से पहले
मुझे लगता था कि नैना शहर वास्तव में यहाँ कोई छोटा मोटा शहर तो एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट तो दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मैंने पूछा कि नैना क्या है, तो अभी सिर्फ पेपर पे था फ्रेंकली। इट वाज ए सरप्राइज टू मी ऑल्सो, नहीं तो मेरे भी दिमाग में ऐसा था कि नैना कहीं शहर होगा, कुछ कुछ अच्छी बिल्डिंग्स होंगी, ये होंगी, बट इट वॉज जस्ट ऑन पेपर। बट नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अभी नैना का एक्चुअल सपना लोगों का पूरा हो रहा है। नैना में जो हमने टीपीएस 1-12 है वो मंजूर ऑलरेडी की हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है, कुछ फाइनल स्टेज तक आ गई, कुछ का भी इंटरमीडिएट स्टेज तक, कुछ प्राइमरी स्टेज पे है। तो उसमें हमने डेवलपमेंट के काम के लिए ऑलरेडी रोड्स के टेंडर निकाल दिए और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है करीब 2550 करोड़ के काम ऑलरेडी हम L&T को दे चुके हैं। और इस काम का जो फाउंडेशन सेरेमनी है या फिर जो भूमिगत जो अपन फाउंडेशन सेरेमनी है वो माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय से हमने उनको विनती की, तो 5 को ये भी होगा। सो अभी तक जो नैना का सपना था कि नैना होगा नहीं होगा क्या होगा, अब प्रत्यक्ष लोगों को साइट पे दिखेगा और उसके साथ साथ करीब 4-5 हज़ार करोड़ के भी टेंडर से वो ऑलरेडी पाइपलाइन में। सो नैना के जितने भी काम हैं वो सब की सब एक्चुअली आपको साइड पे दिखेंगे, जिससे कि नैना का बदल जो लोगों के समझ गैर समझती वो दूर होगी। और मैं इतना बताऊंगा, नैना शहर डेवलप होने के बाद एक ऐसा मॉडल है ये इसमें कि जिसमें कि हम लोगों ने प्राइवेट लोगों के साथ पार्टनरशिप की है। अभी यहाँ पे हमने लैंड एक्विजिशन नहीं किया, हमने लैंड लेके 40% लैंड उनको वापस दी है और वो पॉसिबली जिस जगह उनकी लैंड थी उसी जगह दी। अगर वो रोड के किनारे है तो रोड के किनारे दिए, किसी कॉर्नर में थी तो कॉर्नर में दी है, ट्रेंगल साइड में थी, मतलब जहां भी मेन लोग मेन जगह पे तो वहां पे दी है। आज अगर 40% प्लॉट की कीमत डेवलप्ड होने के बाद अनडेवलप्ड प्लॉट से कई गुनी होगी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा चीज है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, आगे आने वाला समय हम सबके लिए काफी अच्छा है। इस एरिया में डेवलपमेंट आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला एयरपोर्ट है, कॉरपोरेट पार्क है, हाउसिंग फॉर ऑल के 67,000 घर हैं, नैना के भी काम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक सबके लिए और जो नैना से बहुत अच्छा एडवांटेज है। नैना बहुत जरूरी भी है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हम बात करते हैं वहां पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, क्योंकि नवी मुंबई में भी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग आ सकता है उसके लिए क्या प्रयास है? सो अभी नैना में डेवलप होने के बाद हमने वहां पे कुछ ग्रोथ सेंटर्स निकाले हुए हैं, वहां पे कुछ मास हाउसिंग के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशंस किए हुए हैं। सो वहां पे जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहां पे दिखने लगेगा, 5 तारीख के बाद वहां पे प्रत्यक्ष काम की जब शुरुआत हो जाएगी, तब लोगों को जब सपने साकार होंगे या आ रहा है लोग वहां पे, फिर बहुत सारी कंपनियां भी आएंगी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन भी आएंगे, कॉरपोरेट हाउसेज भी आ सकते हैं और उसके साथ मास हाउसिंग के भी हम अपने स्केल पे लेंगे। और उसके साथ साथ अगर देखो प्राइवेट टाउनशिप भी वहां पे आ रही है, नैना के आजू बाजू में कुछ 2-4 प्राइवेट टाउनशिप भी है, तो इस एरिया का पोटेंशियल मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। बट वी हैव मेंटेन के रेट्स के जो भी है कॉमन मैन के लिए हाउसिंग के रेट्स दायरे में। नैना जो है बहुत अलग पॉलिसी है सिडको की, यहाँ पे जैसा आपने कहा कि लैंड एक्विजिशन नहीं है, 60-40 का शेयर हो रहा है, इस पे भी है कि भैया UDCPR लागू कर दीजिए और हमारे को कॉम्पनसेशन नहीं है, ये कंसर्न्स को क्या कहें? देखो UDCPR की देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जब इस चीज़ का डिसीजन लिया तो उन्होंने कुछ बातें ध्यान में रख के लिया। दूसरा कंपनसेशन, जब मैं कह रहा हूँ कि लैंड के बदले में आपको लैंड है, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। देखो कंपनसेशन में क्या होता है, आपके हाथ में पैसा आ गया, जमीन किसी और को चलेगी। अगर कल मुझे इतने बड़े बड़े रोड हैं, वहां पर रोड का साइज देखो 60 मीटर वाइड है, कुछ कुछ 40 मीटर वाइड है, वहां पर बड़े बड़े अगर मेरा आपने प्लान देखा तो वहां पर एक एलिवेटेड रोटरी आ रही है, रोटरी के अंदर आपको बहुत सारी बिल्डिंग और कॉरपोरेट हाउसेज आपको देखेंगे, एक ट्रूली इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है उसमें 2-4 साल लग जाएंगे। जब वहां पर इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएंगे, जब आपकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि वहां पे 40% जगह की आपकी कितनी कीमत है। सो रेदर देन टेकिंग इट एज इट मनी इन लियू ऑफ लैंड, इट इज बेटर टू बी अ पार्टनर विद दैट। जैसा कि मैंने बोला 40% आपकी लैंड की कीमत 100% अनडेवलप्ड प्लॉट से कई ज्यादा गुनी होगी। सो वन हैव टू थिंक, लोग कहते हैं कि मैं आपके डेवलपमेंट में पार्टनर बनूंगा और बन रहा हूं, सो दैट इज अ डिफरेंट मॉडल। जैसे आपको पहले अगर पुणे में भी 1-2 जगह टाउनशिप उन्होंने बनाई थी तो उस तरह का पार्टनरशिप मॉडल था, ये उस तरह का पार्टनरशिप मॉडल है, यहाँ के लोगों को वास्तव में मिल जाएगा। 40% में लोगों का कहना है कि वर्टिकल डेवलपमेंट होगा तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तकलीफ हो सकती है। देखो जो अभी जो भी FSI वहाँ पे एप्लीकेबल है वो FSI तो यूज करेंगे, वर्टिकल डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी है, जैसे अभी मास हाउसिंग के लिए भी कर रहे हैं हम, तो अभी 24 मंजिले की बिल्डिंग है। अभी देखो अभी नाउ मुंबई या नवी मुंबई में डेवलपमेंट आपको वर्टिकल्स को ये इट्स गुड, आई मीन इट्स नॉट बैड,
आपको ये देखो आपको कारपेट एरिया कितना मिल रहा है। अगर 300, 400, 500, 800 जो भी आपका लिमिट है उस कारपेट रेट में अगर आपको विद इन लिमिट आपकी आपकी लिमिट में मिल रहा है इट इज गुड। तो अब जब जमीन का अगर वर्टिकल डेवलपमेंट होता है आपकी जमीन की कीमत भी बढ़ती है, जमीन भी है। अब ये भी है वर्टिकल डेवलपमेंट जो होगा धीमे धीमे होगा। अभी के जैसे भी नवी मुंबई का वर्टिकल डेवलपमेंट और मुंबई के वर्टिकल डेवलपमेंट में अभी बहुत फर्क है। अभी नैना में तो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है उस लेवल तक पहुंचने में। बट अगर फ्यूचर की बात करें तो नैना का फ्यूचर बहुत अच्छा है बिकॉज मैंने पूरा प्लानिंग देखा हुआ है। जिस तरह से हम मिशन मोड में नैना के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करा रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं नैना के जब हम रोड्स के काम करा रहे हैं, अब देखिए रोड्स के अंदर 60 मीटर का तो रोड है ही है, उसके बीच में डिवाइडर है, बड़े बड़े फुटपाथ है, फुटपाथ के नीचे आपकी स्टॉर्म वाटर की ड्रेन अलग है, आपको ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन की डक्ट अलग है, आपको टीवी लाइन सॉरी आपको ये अपना टेलीफोन की और वायरलेस वालों की जो लाइन है वो अपनी अलग लाइन है, आपको रोड खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे शहर में रोड्स खोदने की आपको जरूरत नहीं है, तो जब हम ये सिटी इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे सारी की सारी डक्ट्स और सारी की सारी वाटर सप्लाई पाइपलाइन ये सब अंडरग्राउंड में, कभी आपको रोड खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे प्रावधानों को ध्यान में रखे हुए हम लोगों ने इस तरह का प्लान है किस नए शहर के लिए। प्रकल्पग्रस्तों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, क्योंकि उनके भी काफी मुद्दे अभी तक पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है, चाहे कॉम्पनसेशन को लेकर है, जमीन को लेकर है, रेगुलराइजेशन को लेकर है, और उनको कहना है कि भाई सिटको हमारा ख्याल नहीं रख रही। देखो प्रकल्पग्रस्तों को लेकर हमेशा सिडको बहुत सेंसिटिव रही है, सिडको ने हमेशा उनके भले के लिए ही काम किया है। अभी मैं मान सकता हूँ कि शुरू में 60-40 में उन लोगों को थोड़ा तैयारी नहीं थी, बट ये मैं 100% बोल सकता हूँ एज ए कॉमन मैन और उनका ही आदमी करके जो 40% लैंड है वो वैल्यू इज मच मोर देन व्हाट इज 100% दूसरा उनकी और भी डिमांड है, जैसे अभी कुछ प्रकल्पग्रस्तों का आप जैसे कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, इफ नॉट इन नैना बाकी की जगह है, तो जैसे अपने जमीन एक्वायर किया था, अब सरकार ने गर्जेपोटी स्कीम अभी अप्रूव कर दी है, गर्जेपोटी में वो और उनके वारस जितने भी लोग हैं उन सबको हम लोग रेगुलराइज कर सकते हैं, और उनके इवन अपर्टिनेंट एरिया जो भी है वो भी रेगुलराइजेशन के इवन कॉमर्शियल भी है। और जब जब भी मतलब प्रकल्पग्रस्त बिकॉज प्रकल्पग्रस्त इज अ पार्टनर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ए वे कि वो डेवलपमेंट में सहभागी रहे हैं, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव और सेंसिटिव रहे हैं। मुझे लगता है काफी कुछ चीजें डिमांड पूरी हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ है तो हम लोग सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों का सबका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और बहुत सेंसिटिव है। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स बहुत स्पीडीली बढ़ रहे हैं। गर्जापोटी का इशू जैसा आपने कहा कि अभी जीआरवी आ गया है और काफी सालों से पेंडिंग हो रहा है, सिर्फ पेपर पे ही नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा गर्जापोटी का, बिकॉज जब ये जीआर बनाता तो हमारा और माननीय प्रधान सचिव और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कई बार इन चीजों पर डिस्कशन भी हुआ और बहुत प्रैक्टिकल हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। पहले डिसीजन ये था कि जिसकी जमीन हम लोगों ने अधिग्रहित की है उन्हीं को मिलेगी। अब जो 1970 में अधिग्रहित हुई थी अभी आज उनके बेटे हो गए, बेटे के बेटे भी हो गए, तो जो भी सीरीज में जितने भी वारसदार हैं अगर वहाँ रह रहे हैं उन सबकी होगी। अब सपोज उसका पर्टिनेंट एरिया कुछ थोड़ा ओपन एरिया है वो भी हमने इसमें कंसिडर किया, थोड़ा कॉमर्शियल एरिया है वो भी कंसिडर किया, ठीक है, और इसमें और उसके और प्रकल्पग्रस्त के साथ नॉन प्रकल्पग्रस्त भी है वो भी हमने इसमें समाविष्ट किया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा उतना ही इशू है। तो जब इस जीआर को देखें, जीआर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके बनाया हुआ है, और लेकिन जैसे आपने बोला कि हम लोग एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, यू कैन ट्रस्ट अस कि एग्रेसिवली इस चीज को भी ऑन अ पॉजिटिव साइड इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मेरा ऑलरेडी गर्जापोटी अगर आप देखें सर्वे और जीआईएस के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने टेंडर वेंडर भी निकाल चुका है एजेंसी के लिए, सो दैट दे कैन प्लॉट के भाई जीआईएस के माध्यम से कितना एरिया क्या है, और उसको बेस मैप पे उसको मैपिंग कर सके उससे, जिससे कि हमको एरिया मिल जाए और उसकी प्लॉट बाउंड्री डिफाइन कर दे। सो हम लोग डेफिनेटली इस पर भी बहुत पॉजिटिव एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जाके जो जीआर जो आया है वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होगा ऐसे हम आपको डेफिनेटली एश्योर कर सकते हैं। और ये सर्वे आपने जीआर आने के पहले टेंडर कर दिया था, तो हमने एंटीसिपेट बिल्कुल है, हमको एंटीसिपेटेड था जिस हिसाब से हम लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं आना है, तो क्यों ना शुभकामनाएं जल्दी शुरू कर। तो फ्री होल्ड लैंड का जो डिमांड है उसके लिए क्या कहेंगे? देखो फ्री होल्ड लैंड के लिए शासन स्तर पर काफी सक्रिय है, वो पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि अभी शासन सीम्स टू बी सकारात्मक। अभी निर्णय मुझे लग रहा है कि सरकार को लेना है, तो शायद सरकार किस पर विचार तो कर रही है, होपफुली दैट डेवलपमेंट की तो हमने बात कर ली सर, बहुत जबरदस्त हो रहा है सर। एक जो और मुद्दा जो है वाटर सप्लाई का, कोंडेने डैम का भी आप लोग के कुछ चल रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि नैना की बात हो रही है और डिमांड बढ़ेगा, पनवेल एरिया में भी है काफी डिमांड,
तो ये सब कैसे एड्रेस होगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा और बहुत सही समय पर रेज किया। एक्चुअली मैं बोलने ही वाला था आपको कि देखो, कोई भी शहर के लिए वाटर सप्लाई बहुत जरूरी है। बिना वाटर सप्लाई के लिए कोई भी शहर जग नहीं सकता। आज मैं कोंडाना डैम की बात करूँ, कोंडाना डैम 2006 से चल रहा था, 2017 में हमारे पास ट्रांसफर हुआ, लेकिन 2017 से आज तक कभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जब मैंने आके यहाँ पे देखा कि कोंडाना डैम यहाँ पे बनना बहुत जरूरी है, बिना उसके मुझे नैना के एरिया को पानी नहीं मिल सकता, बिना उसके मुंबई के अदर एरिया में पानी नहीं मिल सकता, बहुत एक्टिवली फॉलो करके जो हमारे CDO चीफ डिजाइन ऑफिस जो महाराष्ट्र सरकार ने उनसे डिजाइन अप्रूव कराया, उन्होंने कॉन्क्रीट डैम का सिफारिश किया और इस चीज का टेंडर निकाल दिया। मुझे लगता है कि आचार संहिता से पहले पहले ये टेंडर भी मंजूर होके, जो कि शुरू में कैपेसिटी इसकी कुछ 140 MLD थी, वो 140 MMQ थी, जो कि अब बढ़ा के 150 MMQ हो गई है। इतनी बड़ी क्षमता का डैम है जो कि कंक्रीट का डैम बनेगा, ये अगले 3 से 3.5 साल में जो कि मिनिमम टाइम चाहिए उतने में पूरा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको नैना और नदी मुंबई के एरिया में आपको पानी मिलेगा। दूसरा, हेतवानी डैम भी अपने पास है। हेतवानी डैम को मैं पिछले 10 दिन पहले ही मैंने विजिट किया, 8-10 दिन पहले, क्योंकि मुझे फील्ड में जाके देखना कि क्या काम चल रहा है अच्छा लगता है। तो हेतवानी डैम को भी हम उसकी कैपेसिटी ऑगमेंट की है, उसकी भी कैपेसिटी एक 70-80% ऑगमेंट की। तो हेतवानी डैम से थ्रो टनल, जो कि एक 2.5 मीटर की टनल है, उसके थ्रू अपन फिल्ट्रेशन प्लांट तक पानी ला रहे हैं और वहां से फिर राइजिंग मेन ले जाके हम डिस्ट्रीब्यूशन तक भी ले रहे हैं। वो तीनों काम करीब करीब 3-3.5 हजार करोड़ के काम है। ऑलरेडी काम वॉर फुटिंग पर चल रहे हैं, वो भी करीब करीब समय से थोड़ा पहले ही चल रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला कि हमारा फोकस रहेगा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम है वो समय पर कम्प्लीट हो। कभी कभी अब देखें, व्हाटएवर द रीजन, कभी कभी काम बहुत लेट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि काम लेट ना हो, समय पर हो जाए, जिससे कि उसका बेनिफिट लोगों को मिले। सो हेतवानी डैम का काम वॉर फुटिंग पे चालू है, इसका भी काम जो अभी अपना कोंडाना डैम का आएगा वो भी हम टाइमली कंप्लीट कराएंगे। इन दोनों की वजह से नवी मुंबई में आपको पानी की दिक्कत, नैना एरिया में कभी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का पूरा प्लान हम लोगों ने किया। सो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। फाइनली व्यूअर्स को, हमारे लोगों को, सबको, आप चाहे प्रकल्पग्रस्त हैं, एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं, वाटर बॉडीज को लेके, फाइनली क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? मैं इतना ही आप सब लोगों को यही कह चुकूंगा, हम लोग यहाँ पे पूरा वॉर फुटिंग में नवी मुंबई को डेवलप करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। सारी टीम जुड़ी हुई है, आप सब लोगों का भी सहकार है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट का काम है, हमारी अभी एयर स्ट्रिप तैयार है, कभी भी डिफेंस का प्लेन लैंड कर सकता है। मार्च से हम कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देंगे। मास हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 67,000 घरों का काम चालू है, 25,000 घरों का लोकार्पण अभी शायद प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, उनके हाथ से हम कराने की हमारी पूरी कोशिश है। और जैसे नैना शहर का काम जो कि 12-13 साल से चल रहा था, लेकिन आज वो साकार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहे हैं। जैसे आपने बताया इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क है, वो भी अभी आएगा, लॉजिस्टिक पार्क, बिकॉज कंटेनर यहाँ पे अपना JNPT है, तो करीब एक 100 हेक्टेयर पर 389 हेक्टेयर पर वो भी लॉजिस्टिक पार्क का बड़ा काम है, वो भी हम वॉर फुटिंग पर ले रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे एक और है कि ये एक खारगर गोल्फ कोर्स की बात करें, पब्लिक गोल्फ कोर्स है, MMR में खारगर गोल्फ कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि पब्लिक यूनिक गोल्फ कोर्स है, तो एक सामान्य नागरिक भी वहाँ पे जाके खेल सकता है। थोड़ा पैसा उसको जरूर देना पड़ेगा, पर ये कोई एलीट गेम नहीं है, एलीट क्लास का नहीं है, वो भी जा सकेगा। सेंट्रल पार्क इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो ये बहुत सारी स्कीम्स जैसे डैम के काम है और भी कई सारी चीजें, EduCity आ रहा है, MediCity आ रहा है, आपने जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट जाते वहाँ पे AeroCity है, तो AeroCity करके भी हम लोगों के पास 150 हेक्टेयर जगह है एयरपोर्ट के पास, उसको भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे एयरपोर्ट के पास जो भी अगेन 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं या फिर कुछ बिजनेसेस हाउस हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो इफ यू ओवरऑल देखा जाए तो एक नया शहर जो बसाने के लिए जो जो चीज़ें जरूरत पड़ती है और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जिससे कि लोगों को चाहे वो आपका चलने की सुविधा हो, पेडेस्ट्रियंस की हो, या फिर ग्रीन कवर हो, या फिर एम्यूजमेंट के साधन हो, एंटरटेनमेंट के साधन हो, ये सारी चीज़ें रख के हम लोग यहाँ पे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा। और ये करते हुए मुंबई और नवी मुंबई की दूरी बहुत कम ऑलरेडी हो चुकी है MTHL से, बाकी जब एयरपोर्ट की लाइन आ जाएगी और भी कम हो जाएगी, इसलिए उन दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि नवी मुंबई के फ्यूचर काफी अच्छा। एंड यू फर्मली बिलीव के सिडको और नवी मुंबई साथ में रहना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने हमें दिए हैं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, अश्योरेंसेज मिले होंगे, और जिस तरह से काम हो रहा है इस बार भरोसा भी करने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका खास मेहमान। इतना ही, अगले महीने।